अच्छा, तो आप इतने अरसे से कहाँ गायब थीं? आई वॉज एक्सप्लोरिंग लाइफ. फिर क्या एक्सप्लोर किया लाइफ में? बहुत कुछ, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें अभी तक एक्सप्लोर कर रही हूँ. मज़ा आ रहा है. एंड आई थिंक जो सबसे बड़ी लर्निंग हुई कि लाइफ इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग. ओके, तो ये नीड क्यों फील हुई, ये ज़रूरत क्यों फील हुई आपको कि आप ज़िंदगी को एक्सप्लोर करें? आप तो ज़िंदगी जी रही थी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से, और जी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी अल्लाह ताला, व्हेन यू आर सीकिंग समथिंग, अल्लाह ताला आपको उस राह पे चलाता है, लेकर जाता है. इंसान की इतनी अकल और सोच तो नहीं है कि वो समझ सके कि जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है. बिल्कुल भी नहीं है. एंड स्पेशली व्हेन एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स हैपन इन योर लाइफ, चीज़ें होना शुरू होती हैं ऐसी, और आप सवाल करते हैं लम्हे से कि व्हाट हैपेंड, वेयर डिड आई गो रॉन्ग. और फिर कुछ अरसे बाद आपको समझ आती है कि नहीं, यू डिड नॉट गो रॉन्ग एनी वेयर. अल्लाह ताला का तरीका था आपको दिखाने का, और बड़ा कभी कभी बड़ा पेनफुल तरीका होता है, लेकिन उसके जो लेसन्स होते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं. और आई थिंक ज़िंदगी ना, हर इंसान की, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता ही आता है, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट. हम अपने आप को इस डिलूजन में डाल लेते हैं कि नहीं नहीं, हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, वी वर्किंग, वी हैविंग फन, वी डूइंग दिस, वी डूइंग दैट. अंदर से हम जो है ना, बिल्कुल ये हर किसी का, मैंने जितने लोगों से मैं मिलती हूँ ज़िंदगी में, जिनसे बात करती हूँ, उनका ये होता है कि अंदर से ना एक कुछ मिसिंग होता है, कुछ बहुत कुछ मिसिंग होता है. फॉर मी आई थिंक आई कुड नॉट लिव विद दैट. आई कुड नॉट फेक इट, आई कुड नॉट से कि नहीं नहीं, आई एम लिविंग माई लाइफ. एंड अल्लाह ताला ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत प्यार दिए लोगों का, तो मुझे अपना झूठा लगना शुरू हो गया था कि शायद मैं इतना फेक करके कि नहीं जी, मैं आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ दैट देयर इज, बट इनसाइड आई एम नॉट. तो हाउ कैन आई बी ऑनेस्ट विद माय पीपल देन? तो आप ये कहना चाह रही हैं, अगर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ उसको, कि बज़ाहिर बाहर से सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन अंदर से You were not happy or content with what was happening at all. Okay. At all. उसका reason क्या था? क्यों? Too many reasons. Maybe one day when I'm ready to talk about them, okay, I will for sure, inshallah. ठीक है. That too, if I feel that it is helpful for somebody. बिल्कुल. But otherwise, there was too much. I think ज़िंदगी आपको कहीं ना कहीं तोड़ती है. आपको एक दिन आप उठते हैं और आप कहते हैं मेरा दिल साबुत था, टूट कैसे गया? मतलब वो उसका एक निचोड़ निकाल देती है अल्लाह ताला, आपको करता है. और आई थिंक दैट इट्सेल्फ रबे इज सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग अल्लाह ताला की. इतनी खूबसूरत नेमत है कि उस टाइम पे बैठ के उस दर्द को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल लगता है. उस पर हम लगता है कि इसलिए मैं थोड़ी सी हैरान हूं आपकी ये बात सुन के. आप जितने प्यार से ये बात कर रही हैं, मुझे लगता है वो दर्द बड़ा गर्वनाक होता है, और उसका एक मकसद होता है. ऑफ कोर्स हम उसको क्वेश्चन या चैलेंज नहीं कर रहे हैं, वो अल्लाह ने अगर सिचुएशन लाई है तो उसका कोई ना कोई तो फ़ायदा है, और लेटर ऑन आपको पता चलता है उसका क्या फ़ायदा. लेकिन वो उस मोमेंट में आप एक बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे होते हैं, आप कैसे खड़ी हुई दोबारा? क्वाइट ऑनेस्टली मैंने एक कहते हैं ना, टनल, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और एक पॉइंट आता है जब आप टनल में बैठे होते हैं ना, हम कहते हैं लाइट तो दूर दूर तक भाई कहीं दिख नहीं रही है. क्या सिस्टम है? और फिर आपको दूर से एक छोटा सा सिरा नज़र आता है, और उसमें हल्की सी रोशनी होती है, और वो सिरा जो होता है ना, वो फेथ का होता है. वो उसकी ज़ात पे फेथ का होता है कि यू नो आई वॉन्ट टू, अल्लाह ताला मैं इस मोमेंट में बैठी हूँ जहाँ पर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने सीने से दिल निकाल के ना इसको 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 खींच लूँ, इसको बाय कर लूँ. दिस पेन इज़ अनबेरेबल, बट यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I am going to sit and I am going to breathe and I am going to ask for you to do something. I am going to ask for your help. That is what I am going to do. और फिर वो अल्लाह ताला आपको सबर, जो हम कहते हैं ना सबर, सबर करें. सबर ये है, सबर ये नहीं है कि वी कीप ऑन कंप्लेनिंग एंड वी लाइक नहीं, अब आज भी रोए कल भी रोए, ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें ये वो. येस, इवन देन आई से इवन देन यू आर बींग पेशेंट, आप बर्दाश्त कर रहे हैं. लेकिन जब होता है ना कि जो सबसे मुश्किल टाइम होता है, और आप कहते हैं कि आज दिल दुखा था, अनबेरेबल पेन से गुजरे, कल एक और दिन सही, कल एक और दिन सही, एंड देन वन डे ही विल स्टार्ट सेंडिंग यू हेल्प इन वेज जहां आप हैरान हो जाएंगे कि हाउ, हाउ डिड दिस हैपन. मैंने तो कोई कोशिश नहीं की, मैं तो कुछ, मैंने तो सिर्फ दुआ की थी.
मैं तो सिर्फ सब्र किया था और मैं सिर्फ बैठ गई थी उस मोमेंट में, और फिर अल्लाह ताला भेजता है इंसानों को, अपने अपने खूबसूरत इंसानों को भेजता है, रास्ते बनाता है, रास्ते खोलता है, एंड देन ही गाइड्स यू, एंड ही गाइड्स यू सो मच सो कि आपका ईमान पक्का होता जाता है, पक्का होता जाता है, पक्का होता जाता है, आप में हिम्मत आ जाती है खड़े होने की. ऐसा नहीं होता कि जब आप में हिम्मत आ जाती है तो इसका मतलब है कि दुख दर्द सब ख़त्म हो गया है, लेकिन आप में ये हिम्मत आ जाती है कि मैं, यू नो वट, गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास, एवरी थिंग विल पास. उसकी ज़ात है, भरोसा रखेंगे, चलते जाएंगे, हिम्मत करेंगे, फिर गिरेंगे तो फिर उठाए. तो सेल्फ टॉक बहुत करती थी आप? बहुत, सो मच सो आई स्टार्टेड सेल्फ रिफ्लेक्टिंग सो मच कि मैंने कहा आई थिंक आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस, क्योंकि मैं खुद ऐसी होती थी, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, मैं खुद ऐसी थी कि मैं कहती थी कि दुनिया बदलनी है, सब बदलना है, ठीक बदलना है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, एंड आई हैव टू चेंज दिस, एंड आई हैव टू चेंज दैट, एंड आई विल डू दैट, आई एम द वन हु इज गोइंग टू डू दैट. बुल्ले शाह का है ना क्या, जो बाहर, मैं बड़ी बुरी हूँ शेर पढ़ने में, लेकिन द जिस्ट इज़ कि हम बाहर देख लेते हैं, अंदर कभी नहीं झांकते हैं. मुझे बड़े अरसे बाद समझ आई कि अंदर झांकना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. देर इज़ नथिंग सो डिफ़िकल्ट इन लाइफ देन टू लुक इनवर्ड्स. आप अंदर झांक के जब देखते हैं ना, तो आपको नफ्स टूटती है ना, अना टूटती है आपकी. आप कहते हैं कि ये भी है मेरे में, ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है. और आप फिर बैठते हैं, फिर उस रिफ्लेक्शन के साथ बैठते हैं, देन यू वांट टू मूव अहेड, एंड इफ यू वांट टू मूव अहेड इन लाइफ, यू हैव टू फिक्स दोज थिंग्स, यू कैन नॉट लिव विद दैट. और एक बड़े मज़े का, एक कहीं ना कहीं एक ऐसा बड़ा खूबसूरत मौका आता है विच इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, लेकिन यू फील अ पार्ट ऑफ यू डाइंग, बट दैट इज़, I would not, even though that's a loss, but it comes with abundance of gain. बहुत ज़्यादा अल्लाह आपको नवाजता है उसके बाद. मुझे लगता है कि जब वो हिस्सा आपकी, जैसे आप कह रही हैं आपकी पर्सनालिटी, आपकी ज़ात का ख़त्म हो रहा होता है, तो एक नया हिस्सा जन्म ले रहा होता है. बिल्कुल. जो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फेथ उसका बहुत ज़्यादा होता है, और क्लैरिटी ऑफ प्रायोरिटीज़ इन लाइफ होता है, मुझे लगता है. खूबसूरत खूबसूरती इसमें बहुत ज़्यादा होती है. ऐसा लगता है कि आप यू आर एबल टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. या दैट जो आपको पहले शायद समझ नहीं आती थी. पता नहीं हम लोग क्या बातें करें, लोग कहेंगे क्या बातें लगी हैं ये. और आई थिंक आपको बाकी तो ये है कि चेंज तो इंसान हर मोमेंट चेंज करता है. अभी आज मैं ये इंटरव्यू देने आई हूँ, मैं आपसे द मोमेंट वी एंड दिस इंटरव्यू आई विल बी गोइंग बैक विद डिफरेंट थॉट्स. You will be going back with different thoughts. तो इंसान तो एक एक लम्हा बदल रहा होता है. It's just to embrace that change. क्योंकि life की reality और क्या है? वक्त है और change. सही बात है, सही कह रही हैं आप. क्योंकि आपने एक ऐसी बात करी है जो मुझे लगता है बहुत लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं. अब वो किसी का कोई भी रीज़न हो सकता है. मुझे कनेक्ट किया आपकी ये बात कि कभी कभी ज़िंदगी में वो लम्हा आता है जब दर्द इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको समझ नहीं आती, लेकिन फेथ कीप्स यू गोइंग.